हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक सोनी की एलईडी टीवी। ये जो सोनी की एलईडी टीवी है, ये प्रोटेक्शन मुक्त आती है, जो कि रियल टेक जो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है हमारा सोनी में, तो वो प्रोटेक्शन नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग कोई भी बैकलाइट भी खोल दे या कुछ भी खोल दे, तो ये हमारा जो है प्रोटेक्शन में नहीं जाती है। ये सोनी की ये खासियत है। मीडिया टेक जो आईसी लगी हुई रहती है, वो हमेशा जो है प्रोटेक्शन में रहता है, वो हमारा सोनी की एलईडी टीवी हो या एलसीडी टीवी हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोसेसर जो है रियलटेक की प्रोसेसर लगी हुई है। यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले। ये अधिकतर जो है ये जो रियलटेक की प्रोसेसर होती है या रियलटेक का जो बोर्ड लगा हुआ रहता है, या तो 24 इंच का हो या 22 इंच का हो या 32 इंच का हो, अधिकतर जो है ये हमारा यहाँ ये जो हमारी सॉकेट की 12 वोल्ट की सप्लाई जो है ना, वो अधिकतर मतलब ये इस रियलटेक मॉडल की ये एक खासियत है कि उसका रेगुलेटर ही जलता है। जैसे कि इसमें भी रेगुलेटर ही जली हुई है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, हमारा ट्रेनिंग बहुत जल्दी यानी नवंबर में छठ पूजा के बाद पटना में स्टार्ट होने जा रही है। अधिकतर सीट बुक हो चुका है, सिर्फ 2-3 सीट ही खाली है। तो ये 2-3 सीट फिल होने से ही दानापुर में यानी पटना सगुना में ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग में आपको सॉफ्टवेयर पैनल, पावर सप्लाई, स्मार्ट बोर्ड, स्टैंड बाई मोड, ऑल टोटल आपको ज्ञान दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा। वो भी क्या, प्रैक्टिकल, पहला प्रैक्टिकल, उसके बाद बेसिक। प्रैक्टिकल पहले, ठीक है, उसके बाद बेसिक। प्रैक्टिकल होने से ही बेसिक हो जाएगा, बेसिक होने से प्रैक्टिकल नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए पहला आप चूज करें प्रैक्टिकल, ठीक है। तो तुरंत स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर ले और अपना सीट बुक करा ले। फीस भी बहुत काफ़ी कम है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको पहले इसकी सप्लाई देखना पड़ता है, जो कि यहाँ पर सप्लाई हमारी जो है वो 0 बन रही है। फिर हमको क्या करेंगे, हम LVDS को ओपन कर देंगे, यानी FFC केबल को सॉकेट से निकाल देंगे और निकाल देते हैं। कृपया करके मैं निवेदन करता हूँ, जो इस वीडियो को जानते हैं तो अपना समय नुकसान न करें, स्किप कर दें, ठीक है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया रहता है, जो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमको हमेशा याद रखना होगा कि ये FFC केबल निकाल देते हैं। निकालने के बाद बाकी कुछ सेटों में जो 24 वोल्ट की होती है, उसमें हमारा IC जो है बर्न होता है, लेकिन इसमें हमको कहीं पर भी बर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक कोल्ड टेस्ट। मतलब हमको यहाँ से सप्लाई से हमको देखना होगा कि क्या है। तो जैसे हम यहाँ से सप्लाई से ओम्स में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट जो है वो शॉर्टेज मिल रहा है। तो अब ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ये नहीं है, तुरंत जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, कैसे काम करना है ये पहले आप सीख ले। यहाँ पर हमने जैसे देखा कि ये हमारा शॉर्टेज मिला, यहाँ पर एक हमारी फ्यूज है, ये एक फ्यूज है, ठीक लिख रहा है ना, F201 फ्यूज के इधर जो है हमको शॉर्टेज मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, और इधर शॉर्ट है, यानी फ्यूज जो है वो कटी हुई है। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमको शॉर्ट किलर की जरूरत है। शॉर्ट किलर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट क्या है। शॉर्ट तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह का शॉर्ट आप लोग जानते होंगे कि शॉर्ट कहाँ है, क्या है। तो पहला शॉर्ट होता है हमारा PF बोले या IC बोले, दोनों में कंपटीशन होता है। तो कोई PF में भी, कहीं विभाग में PF शॉर्ट होता है, कोई मतलब सेक्शन में हमारी IC शॉर्ट होती है। तो यहाँ पर IC या शॉर्ट है या तो PF, जो अंतिम शॉर्ट है, यानी दो हो गया, PF शॉर्ट या IC शॉर्ट, जो अंतिम शॉर्ट होता है अंदर की ट्रैक लाइनें, अंदर की ट्रैक भी आपस में शॉर्ट हो जाती है ग्राउंड के साथ, ये भी आपको अधिकतर मिलेगा। तब हमको क्या करना है, या तो हम IC निकालेंगे। तो ये IC इतनी बिल्कुल छोटी है कि अगर हम निकालते हैं, अगर कहीं सही नहीं शॉर्ट निकला, कोई दूसरा निकला, फिर ये क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है या
उड़ जाता है या नहीं लगाने को दिल करता है तब हम लोग दूसरा मॉडिफाई करते हैं, इसको भी हमको बचा के चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट किलर का यहाँ पर उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये शॉर्ट किलर हमने लगभग 4 वोल्ट में रख लिया है और एक हम ग्राउंड दे देंगे और फ्यूज जो कटा हुआ है फ्यूज के पास ही हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमने किया तो ये लगभग 10 एम्पियर का शॉर्टेज हमको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर हान देंगे कि आखिर शॉर्ट क्या है, शॉर्ट है क्या। ठीक, आखिर शॉर्ट है क्या, ये 10 एम्पियर ले रहा है, यानी ये अगर शॉर्ट रहता आईसी तो इतना पे आईसी हमका हमारा जो है जल जाता, लेकिन ये 10 एम्पियर तक यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 9.97 एम्पियर शॉर्टेज है। तो यहाँ पर हमको इंतज़ार करना होगा या हमको यहाँ पर जो एक पेस्ट है ये पेस्ट को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि शॉर्ट क्या है, गर्म क्या हो रहा है। गर्म हमारा आईसी हो गया। अब ये जो आईसी है, ये आईसी हमारा जो है बहुत आग की तरह हीट हो रहा है, यानी आईसी शॉर्ट है। हम लोग इस आईसी को निकाल देंगे। दोस्तों हमने इस आईसी को निकाल दिया। आप सोचोगे कि ये आईसी को इतना हमने कम वोल्टेज दिया था ना, 3.9, अगर हम यहाँ पर 12 वोल्ट देते, 8 वोल्ट देते तो ये आईसी तुरंत फट जाता, हो सकता है वहाँ का प्रिंट जो है वो भी जल जाता, तो फिर आपको काम क्या नुकसान होता, आप वहाँ पर ओरिजिनल नहीं कर पाते। प्रिंट को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लो वोल्टेज देना पड़ता है और हाई एम्पियर, ताकि यहाँ पर हमारा जो है 10 एम्पियर का लोड लिया था, 10 एम्पियर यानी 4 वोल्ट, जैसे 4 वोल्ट हमने दिया तो वहाँ पर क्या हो गया, 2 वोल्ट में आया और 10 एम्पियर ताकत हमको लिया, तब जाकर ये आईसी जो है बहुत देरों के बाद हीट हुआ। ठीक ना, तो हमको पता चला कि ये आईसी हमारी शॉर्टेज है, ऐसे वो आईसी जो है बर्न नहीं दिखाई दे रही थी। हमने तो आईसी निकाल दिए, अब आईसी हमको तो लगाना होगा यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो अल्टरनेटिव 3 है, या तो आप ये बक कन्वर्टर लगा सकते हैं, या आप तो इस तरह का 6 पिन का या 8 पिन का अगर आपके पास ये आईसी है जो अप्लाई किया हुआ है वो ओरिजिनली लगा सकते हैं, या आप ये 7812 एक आईसी आती है जो सीआरटी में ज़्यादा चलती है ये लगा सकते हैं। तो ये मार्केट में कहीं मिलता है या कहीं नहीं मिलता है, तो इसमें आपको अप्लाई कौन सा करना है, इसमें अप्लाई आपको ये बक कन्वर्टर करना है, क्योंकि ये 3 एम्पियर की आती है और ये है मिली एम्पियर में आता है, इसका एम्पियर लो होता है। दोस्तों बहुत लोग ये यूज कर लेते हैं, लेकिन आप इसको ना यूज करें एलसीडी एलईडी में, क्योंकि पैनल कभी भी ख़राब हो सकता है। आप इसको यूज करें, इसको यूज करने के लिए तब आपको यहाँ पर एक मॉडिफाई करना पड़ता है। आपको पहला जो रेजिस्टेंस, जो 5 वोल्ट का शॉर्टेज है, इस पहला रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3.5K, यानी 3.7K, यानी 3.7K कार्बन तो रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2.7K कार्बन रेजिस्टेंस और 1K, क्योंकि हम लोग सीआरटी वाले हैं, 2.7K एकदम अवेलेबल है और 1K अवेलेबल है, हम लोग दोनों को सीरीज कर देंगे। सीरीज करके तब हम इसको कहाँ करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये बात को आपको समझ लेना होगा, हमारी ट्रेनिंग पटना में और कोलकाता और मुंबई, ये तीनों जगह होती है, होने वाली है, होगी। अगर जिनको ट्रेनिंग लेना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कृपया करके कॉल करके अपना सीट बुक कराए। पटना के लिए ट्रेनिंग छठ पूजा की बाद फिक्स की गई है, 2-3 सीटें खाली है, वो फिल होने से ही आपको डेट एक दे दिया जाएगा। जो जो सीट बुक किए हैं उनको पर्सनली फ़ोन करके डेट अलाउंस कर दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस बक कन्वर्टर को हम जितना भी शॉर्ट करें तो हमको निकलेगा 9 वोल्ट, इसलिए किसी को शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है सिर्फ इसको अप्लाई कर देना है 3.7K, 3.7K, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन रेजिस्टेंस अधिकतर हमारे पास रहता है जो कि 2.7K और 1K, उसको हम लोग सीरीज करके यहाँ पर यूज कर लेंगे। चले आगे हम लोग यूज। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, हमने यहाँ पर 3.7K यानी 2.7 और 1K अप्लाई कर चुके हैं। कृपया करके आपको हम कैमरा में दिखा दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूज होने से ही आप लोगों का दिक्कत हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
2.7K और 1K, ठीक। हम कहीं पर भी कोई जंपर नहीं यूज किए, हमको जंपर कोई यूज नहीं करना है, सिर्फ इस रेजिस्टेंस को हमको ग्राउंड कर देना है और हमारी परफेक्ट 12 वोल्ट से लेकर सारे 12 वोल्ट के अंदर हमारी वोल्टेज जो है 3 एम्पियर के लिए प्रजेंट हो जाएगी। अब हम लोग इसको तुरंत अप्लाई, यहाँ पर हम अप्लाई कर चुके हैं, अब हम इसमें लाइन देंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक। अप्लाई करने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारा सोनी लिखा हुआ आ गया, यानी ये सेट हमारी ओके हो गई। हालांकि ये प्रॉब्लम थी 5 मिनट की या 2 मिनट की, ये 1 मिनट की। जानने वाले इसको 1 सेकेंड में कर देंगे, नहीं जानने वाले चारों तरफ घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं। ये बात को आपको ध्यान देना होगा, कोई छोटा मोटा बोलकर कोई वीडियो नहीं होता है दोस्तों। जो जानते हैं उनके लिए बहुत हल्का है, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत कठिन है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।